हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आशीष छाया। तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, कैसे साइकोलॉजी एज अ ब्रांच हमारे इंडिया के अंदर आई। तो इसकी सबसे पहले जो रूट्स थी वॉट वर इन दी फिलोसफिकल ट्रेडिशन, एंड जिसने फोकस किया था मेंटल प्रोसेसेस पे एंड रिफ्लेक्शंस पे ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सेल्फ माइंड बॉडी रिलेशंस एंड अ वैरायटी ऑफ मेंटल फंक्शंस सच एज कॉग्निशन, परसेप्शन, इल्यूजन, अटेंशन एंड रीजनिंग। ठीक है, आफ्टर दिस अनदर डेवलपमेंट केम इन इंडिया व्हेन द फर्स्ट जो मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन साइकोलॉजी डेवलप हुआ था, जब डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी डेवलप द फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड इंट्रोड्यूस द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन 1915। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी भी खोला था 1916, और उसने दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी खोला था 1938। जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस हुई थी बाय द इंडियन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता। ही वॉज ट्रेन इन US इन द एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन ऑफ वुंड। देन प्रोफेसर जी बोस, हु वॉज ट्रेन इन फ्रॉइडियन साइकोअनालिसिस, he influenced the early development of psychology in India. Professor Bose ने psychoanalytical association develop किया, established के 1922. Then the departments of psychology in Mysore and Patna were again another development for Indian psychology. Then Durganand Sinha in his book Psychology in the Third World Country defined about the three phases what he thinks psychology was in India. First phase according to him talks about is during the independence period, and it talks on the or focuses on the experimental psychoanalytic and psychological testing research. And the second phase is focused on the expansion of psychology in India into different branches of psychology, but it focused on ki kaise psychology Indian society ko treat kare, Indian psychology ke taur tareeke se chale, and जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी को काफ़ी लैकिंग भी हुई, प्रॉब्लम्स हुई इंडियन सोसाइटी को रिगार्डिंग दिस। एंड बट लेटर ऑन लीडिंग साइकोलॉजी एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च विच इज़ वेरी ऑफ रेलेवेंस टू आर सिचुएशन, हमारी कंट्री के हिसाब से। ऑफ न्यू आइडेंटिटी ऑफ साइकोलॉजी डेवलप हुई इन इंडिया लेड टू द फेज ऑफ इंडिजनाइजेशन, इंडिजनाइजेशन की फेज डेवलप हुई बिकॉज ऑफ दिस रिसर्च थिंग एंड विच स्टार्टेड इन द लेट 1970s। अब बिसाइड रिजेक्टिंग द वेस्टर्न फ्रेमवर्क, इंडियन साइकोलॉजी स्ट्रेस द नीड फॉर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन अ फ्रेमवर्क विच वॉज कल्चरल एंड सोशली रेलिवेंट। सो इंडिया के अंदर ये फोकस है कि हमारे कल्चर और हमारे सोसाइटी को ज़्यादा फोकस मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू इंडिविजुअलिटी, उसकी वजह से इस फेस को करेक्टराइज किया गया बाय द डेवलपमेंट इन इंडिजीनियस साइकोलॉजी। और ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड वॉज रेलिवेंट फॉर सोसाइटी एंड इंडियन साइकोलॉजी बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यू होता रहा, पर साइकोलॉजी इन इंडिया वो अपनी फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन देने लगी थी और इम्फोसाइज बढ़ने लगे था ऑन द नीड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स विच आर अगेन रूटेड इन आर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब इसके लिए और रिसर्च ढूंढने लगे और रिसर्चेस कैरियर आउट हुई। सो साइकोलॉजी इन इंडिया इज नाउ बींग अप्लाइड इन डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज, नॉट ओनली साइकोलॉजिस्ट हैव बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल प्रॉब्लम्स, बट दे आर एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, इन द HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट्स, इन स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट्स, इन द डेवलपमेंट सेक्टर एंड इन IT सेक्टर इंडस्ट्री एज वेल। ठीक है, सो अब इंडिया के अंदर साइकोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा ग्रेट लेवल पे डेवलपमेंट हो चुका है और टिल नाउ इट्स बीइंग डेवलपिंग। इट्स नॉट कि बस इतना हो गया, देयर आर वेरी डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीपल हु आर स्टडिंग साइकोलॉजी इन इंडिया। एंड सो या विद दिस वी एंड ऑफ दिस लेसन, बिकॉज टुडे आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दिस development of psychology in India. In the next lesson we will discuss about the branches, which are again just like the schools of psychology, branches of psychology are again important topic that need to be studied very carefully and very concentratingly. So yeah, I'll here stop my lesson today chapter. So yeah, we will meet tomorrow again with the branches of psychology lesson. So yeah, please like, share and comment us comment and please subscribe to our channel Ashish Chaya. Thank you.